आज हम बनाएंगे बहुत ही खास और मजेदार रेसिपी, बची हुई रोटी से रोटी नूडल्स। ये बच्चे बड़ों सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और बनाना भी काफी आसान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना और स्वागत है आपका अपना चैनल वंदनास किचन एंड गार्डन में। फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियोस तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ सुबह की बची हुई 4 रोटी। मैं शाम के नाश्ते के लिए बना रही हूँ, आप रात की बची हुई रोटी को सुबह के नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक रोटी लेते हैं और उसे इस तरह से रोल कर करके मोड़ लेंगे और इसे एक कैंची की मदद से पतले पतले पीसेस में कट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं। इसे हमें बिल्कुल ही पतला पतला साइज में कट कर लेना है। पतला पतला काटने से ये देखने में और खाने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस से हम चारों रोटी को काट लेंगे। चारों रोटी को हमने पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे हल्के हाथों से इस तरह से फैला देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर कुछ सब्जी, 2 मीडियम साइज के प्याज जिसे हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है, 1 बड़े साइज का कैप्सिकम है जिसको हमने आधा कट करके लिया है पतले पतले साइज में, साथ ही 1 मीडियम साइज के गाजर को भी इस तरह से पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है, 2 ग्रीन चिल्ली और 7 से 8 लहसुन को भी हमने बारीक कट कर लिया है। एक जरूरी टिप्स है, अगर आपका रोटी रात में बच जाए और आप सुबह इस तरह से नाश्ता बनाना चाहते हो तो आप किसी डब्बे में भर के इसे फ्रिज में रख दीजिएगा, जिससे कि रोटी कड़क होगी और इसे अच्छे से पतले पतले काट सकते हैं और आप जब इसे बनाइएगा तो ये बिखरेगी नहीं और बिल्कुल नूडल्स की तरह बनेगी। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अब एक पैन में लेते हैं 3 से 4 चम्मच राइस ब्रान ऑयल और इसे अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे कट की हुई लहसुन को और बारीक कट की हुई मिर्च को भी डाल देते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे कैप्सिकम को भी। हाई फ्लेम में इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर और इसे भी अच्छे से चला लेते हैं और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे प्याज को भी। इसे लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हमने इसे 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉस, हम इसमें ले रहे हैं 3 चम्मच टमाटो सॉस। ये मेरे घर के बनाए हुए सॉस है, आप इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड किया हुआ है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, ये भी मेरे घर के बने हुए सॉस ही है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 छोटा चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे कट करके रखे हुए रोटी को और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रोटी को भी हाई फ्लेम में सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो ये गीला हो जाता है। तो इसे इस तरह से हाई फ्लेम में चलाते हुए हम सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इस तरह से 2 फॉर्क से अच्छे से इस तरह से मिक्स कर सकते हैं जिससे कि रोटी नूडल्स टूटता नहीं है। तो हम इसे हाई फ्लेम में सिर्फ 2 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अगर आपके घर में बच्चे रोटी नहीं भी खाते हैं तो इस रेसिपी को बड़े ही चाव से खाएंगे क्योंकि ये खाने में बिल्कुल नूडल्स की तरह टेस्ट आता है।
इसे फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गया है। हमारा रोटी नूडल्स तैयार है, तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। हमने इसे सर्व कर दिया है और थोड़े से फ्रेश कटे हुए धनिया के पत्ते से गार्निशिंग कर दिया है। आपको हमारा आज की रेसिपी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।